अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ चांदनी चौक मार्केट, क्योंकि मम्मी और हिना आई हुई हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया ही था, तो वो जो है चांदनी चौक मार्केट ज़रूर जाते हैं, बट मैं नहीं जाती हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं भी आ गई हूँ। मैं थी ऑफिस, मेरा कुछ ऐसा इरादा था नहीं आने का। मम्मी मुझे बहुत बुला रही थी कि आ जाओ, फिर मैं आ गई। और अभी हम सबसे पहले इस रेस्टोरेंट आ गए हैं और हम सबसे पहले कुछ ना कुछ खाएंगे, क्योंकि मैं ऑफिस से आई हूँ तो मुझे बहुत भूख लगी थी और ये लोग भी मेरा वेट कर रहे थे। कुछ खाया नहीं था इन लोगों ने, तो सबसे पहले हमने मंगाया यहाँ पर छोले भटूरे और डोसा। मम्मी को छोले भटूरे बहुत पसंद है, वो वही खाती हैं, और मैंने, इतनी गर्मी हो रही है इसलिए डोसा मंगाया, कुछ ऑयली खाने का मन नहीं था। ये है फालसे, मम्मी के बहुत फेवरेट हैं, तो उन्हें जहाँ भी दिखते हैं ना तो वो ज़रूर लेती हैं। और खा पी के अभी हम आ गए हैं बाहर। तो अब सबसे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरा पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम आ गए हैं वहाँ से निकल के कृष्णा मार्केट। कृष्णा मार्केट जो है वो है कपड़ों का मार्केट और बहुत फेमस मार्केट है। यहाँ पर कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, रीज़नेबल रेट होते हैं। कभी आप लोग ने वहाँ से लिए होंगे तो ज़रूर आइडिया होगा। हमने काफ़ी कपड़े यहाँ से लिए हैं। मम्मी तो कपड़ों का जो है काम भी करती हैं, इसलिए वो यहीं से कपड़े लेके जाती हैं। आज ऐसा कुछ नहीं था, हम कपड़े नहीं लेने गए थे, तो मैंने इसमें यहाँ पर ज़्यादा जो है वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। बट मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ कृष्णा मार्केट जाऊँगी और ज़रूर आप लोगों को डिटेल में दिखाऊँगी कि यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। बस अभी हम बस एक दो ही शॉप पर गए थे। तो हिना ये सूट देख रही थी, क्योंकि उसने ये सूट ऑनलाइन देखे थे। वहाँ पर काफ़ी महंगे मिल रहे थे, मतलब 1000-1200 की रेंज में थे, और यहाँ पर ये सिर्फ 650 की रेंज में मिल रहा था। और कपड़ा इसका बहुत अच्छा था, एकदम फाइन क्वालिटी का था, कॉटन में था, इसके कई सारे कलर थे। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, जो आपको ऑनलाइन दिखेंगे वो कपड़े भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं सदा, ये इनकी वो डालो YouTube पे। अरे तो क्या हो गया, अरे दिल्ली है, अच्छी सीट है, देखो सीट एकदम सही बनी है, यहाँ पर आराम से 2-3 लोग बैठ सकते हैं। देखो ना एकदम सही से बैठ रही है, और कोई हिना जैसा हो तो आराम से बैठ सकता है, पतला दुबला। तो ये रिक्शे बहुत ही कंफर्टेबल है। और अभी जो है हम निकल गए हैं सदर मार्केट के लिए। इतना ही कौन से रास्ता से हमें ले जा रहे थे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, एकदम अपोजिट साइड हमको उतारा था। तो मार्केट जाने में भी हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो सबसे पहले हमने ली यहाँ पर शिकंजी, क्योंकि बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो एकदम शिकंजी देख के मन हो गया शिकंजी पीने का। और उसके बाद मैंने देखी यहाँ पर ये घास वाली कालीन जो होती है ना, कारपेट, ये क्योंकि मुझे अपने किचन में डालने का थोड़ा मन हो रहा था कि मैं इस टाइप से कुछ डाल दूँ, क्योंकि इस पर पत्थर पर थोड़ा गंदा हो गया था, निशान से हो गए इसलिए। तो येलो और ग्रीन बहुत अच्छी लग रही थी, बट ये बहुत महंगी दे रहे थे तो मैंने वो नहीं ली, सादा ग्रीन वाली ले ली। और इसके बाद हम और मार्केट देखने लग गए, घूमने लग गए। मुझे यहाँ से जो है बच्चों के लिए टिफ़िन लेने थे, तो मैं बस वही ध्यान में रखते हुए ढूंढ रही थी कहीं मिल जाए सही। और यहाँ चूड़ी वगैरह तो आपको हर जगह ऐसे लगाए लगाए मिल जाएंगे, यहाँ बैग वगैरह, बच्चों के बुक्स वगैरह, बच्चों के टिफ़िन बॉटल वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर अच्छी अच्छी और रीज़नेबल रेट में, कहीं रीज़नेबल रेट में नहीं पाओगे। ये इसमें कितना हो जाएगा ना, 300 मिल जाएंगे बस इससे, अच्छा ना 12 ऐसे ले लो है ना, 100 रुपये पीस। इनके पास जो है कई सारे टिफ़िन थे डिज़ाइन में, मुझे इनके यहाँ टिफ़िन समझ में भी आया, और इनके यहाँ जो रेंज थी ना वो भी ठीक थी। तो अभी मैं आगे देखती हूँ, कहीं और समझ नहीं आते हैं तो फिर मैं यहीं से ले लूँगी। और इसके बाद हमने कई सारी चीज़ें और देखी यहाँ पर ना, ज़्यादातर बच्चों का ही सामान था और उनके यूज़ का था, चाहे वो स्कूल का हो या न्यू बॉर्न बेबी का हो, जैसे यहाँ पर मिल रहा है तो इसी टाइप का सामान था। ये बॉटल वगैरह थी, वही अम्मी और हिना जो है अशर के लिए भी बॉटल ढूँढ रही थी, तो वही। बट मुझे तो इस टाइप की बॉटल नहीं चाहिए थी, मैं भी देख तो रही थी, बट मुझे मेरे हिसाब से कोई बॉटल मिली नहीं जो इशरारा के यूज़ में हो। और ये ना छोटे छोटे से ब्रश थे, ये मुझे पता चला ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए होते हैं, ये ब्रश मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ऐसा देखा था। वो उसके फीचर्स नहीं अच्छे लग रहे हैं, ये ले लो सर के लिए, ये खेलेगा ही नहीं। तो
ये छोटी सी घास मैंने ली क्योंकि ये मैंने जो मीशो से एक पॉट मंगाया था उसमें कुछ समझ नहीं आता क्या लगाऊं, तो ये परफेक्ट लग रही थी। मैंने उनको दिखाया मुझे इसमें कुछ लगाना है इसके लिए चाहिए, तो ये घास इन्होंने दी। यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर थे, पॉट थे, बट मैंने खाली वही लिया क्योंकि बाइक को समझ नहीं आता। और यहाँ पर ना एक हैंडबैग की भी शॉप थी, यहाँ पर कॉमन से ही रेट थे, ऐसा कुछ खास जो है रेट नहीं थे कि कम हो, बहुत 800 समथिंग का ही था इनका प्राइस, लेकिन बैग हाँ अच्छे थे, नो डाउट बैग बहुत अच्छे थे। मैंने अभी रिसेंटली लिए हुए थे दो बैग हैंडबैग, एक अपने नॉर्मल यूज़ के लिए एक ऑफिस के लिए, इस वजह से मैंने एक भी नहीं लिया, बट यहाँ पर बैग बहुत अच्छे थे। अच्छा तो ये भी लग रहा है। मैंने यहाँ से भी थोड़ा सा सामान लिया, मुझे ये ट्रे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, फिर मैंने नहीं ली, मैं कि चलो नेक्स्ट टाइम देखूँगी। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी वॉच थी वॉल पे लगाने के लिए, और सीनरी थी काफ़ी अच्छी थी, एकदम एंटिक सी, यूनिक सी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इनके रेट भी अच्छे थे, ऐसा नहीं बहुत सस्ती थी। अपनी ये नई डॉल कितनी लंबी आया थे अरे वाह। हम जैसे ही मार्केट से आए ना, बच्चों ने बस सामान देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने बताया नहीं था मैं मार्केट गई हूँ, बट इनको ना फुल डाउट था कि मैं मार्केट गई हूँ, दिन भर बहुत परेशान करा। तो हिना जो है आयरा के लिए लाई थी ये डॉल, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत बड़ी थी, और मैं लाई थी इन दोनों के लिए टिफ़िन। ये टिफ़िन मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, बहुत कॉस्टली मिलते हैं बट मार्केट में, मतलब सदर मार्केट में मुझे जो है 350 रुपीज़ के मिल गए, मतलब 350 का एक टिफ़िन मिला, तो मुझे सही काफ़ी सही रेंज लगी, मुझे ऐसा ही चाहिए था। इसमें ना लीकेज भी नहीं होती, लीकेज प्रूफ है और स्टील के हैं, सबसे अच्छी बात ये है संभाल के। तो मैं रिक्शे में खाता था। खोलती है जाओगे लग रहा है क्या क्या निकला दिखाओ। चॉपस्टिक का स्पून, देखिए चॉपस्टिक तो मेरे को चलानी आती है। हाँ स्पून नहीं आता है, सीखी भी है। और साथ ही मैंने लिए थे थोड़े से बर्तन जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो बस यही थी मेरी आज की शॉपिंग चांदनी चौक की, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं इसको यहीं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मेरे नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब लोग खुश रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बाय।